तो ये मल्टीवर्स आगा भाई उतना ही एपिक होगा जितना ग्रैंड ये रोड टू सीक्रेट वॉर्स होने वाला है। लाइक अभी तक हमने जो भी देखा है, जो भी सुना है, वो तो भाई बस छोटा सा टीजर था। असली माल तो इन्होंने कोपचे में छुपा रखा है, जिसे अभी तक अनाउंस भी नहीं किया। बट चिंता नॉट, हम सातिर फैंस हैं। स्कारलेट विच के नाखून से लेके एंड्रू के भेड़िया तक हमसे कुछ नहीं छुपा, तो ये तो घंटा छुपाएंगे। सो आज हम ऐसे ही मल्टीवर्स आगा में आने वाले कुछ ऐसे मैसिव मूवीज के बारे में बात करेंगे जिन्हें मार्वल ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है। So, पेटी में घुस के कुर्सी बांध लो, जो बांधना है बांध लो। शुरू करते हैं। नंबर 10, स्पाइडरमैन 4। तो स्पाइडरमैन देखो उस खजूर के बच्चे की तरह है जिसके पेरेंट्स अलग रहते हैं, अटेंडेंस इसकी ना के बराबर होती है, बट फिर भी लोग इसके बारे में बात करते रहते हैं। जैसे कि स्पाइडरमैन 4 का अभी तक अनाउंस भी नहीं हुआ, बट स्टिल वी ऑल नो कि आने ही वाला है। लाइक सोनी और मार्वल ने ऐसे ऊपर ऊपर से ऑलरेडी कंफर्म तो कर दिया था कि स्ट्राइक से पहले इसके स्क्रिप्ट पे काम चालू हो चुका है। सो आई थिंक कि मोस्ट प्रोबेबली ये 2025 से लेके 26 के बीच आ जाना चाहिए। और स्टोरी की बात करें तो इस बार भाई हमें स्पाइडी की एक मच मोर ग्राउंडेड और कंटेन्ड स्टोरी देखने मिलेगी, जो कि प्रोबेबली उसके कॉलेज लाइफ की शुरुआत होगी। सो नए दोस्त, नए विलन्स और सिम्बियोट भी तो है आग में घी डालने के लिए। देन नंबर 9, इटर्नल्स 2। तो फेज 4 में देखो चाहे इसके पहले पार्ट को इतना अच्छा प्यार नहीं मिला, बट स्टिल भाई ये एक बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट था और ये जिस नोट पे एंड हुई थी ये तो भाई कंफर्म्ड ही है कि इटर्नल्स 2 आएगी और ये एक्सट्रीमली भयंकर होगी। बिकॉज रिसेंटली ऐसे जो रिपोर्ट्स मिले थे कि इटर्नल्स 2 बेसिकली हमारे कॉमिक्स के जजमेंट डे को अडेप्ट करने वाली है, और ये जजमेंट डे है क्या, इसमें क्या हुआ था, इस पे किसी और दिन बात करेंगे विस्तार से। बट बस सिंपली जान लो कि इसमें हमें इटर्नल्स वर्सेस एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स तो देखने मिले ही थे, बट जजमेंट डे में मजा तब आया था जब एक एक्सट्रीमली पावरफुल सेलेस्टियल ने लिटरली सारे इंसानों को जज किया था ये डिसाइड करने के लिए कि अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जाए या नहीं। सो वैसे ही भाई जब इटर्नल्स 2 में हमारे एरिसम को ये पता चलेगा कि इंसान लोग टियामुट को ऐसे खोद खाद के एडामेंटियम निकाल रहे हैं, समझ लो भाई खत्म, सबका विचार होगा। नंबर 8 इज सांची 2। तो सांची 2 भाई मल्टीवर्स सागा का वन ऑफ द मोस्ट की प्रोजेक्ट तो होगा ही, एंड मे बी इसका मेन विलन भी और कोई नहीं कैंग ही होने वाला है। बिकॉज पहले तो इसका टाइटल हो सकता है सांची एंड द रेकेज ऑफ टाइम, समय, और दूसरा देखो इसकी जो 10 चूड़ियां हैं वो आई थिंक डेफिनेटली कैंग से किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड होंगी, स्पेसिफिकली स्कारलेट सेंचुरियन से। मे बी उसी ने ही बनाया होगा और वो अब लेने आ रहा है, हु नोस। बट हां, बस एक चीज है कि सांची के एंड में हमारे ब्रूस बैनर और कैरल डेनवर्स ने इसे ऑलरेडी अवेंजर्स में रिक्रूट कर लिया था। सो आई थिंक ये पहले हमें कैंग डायनेस्टी में देखने मिलेगा और उसके बाद ही सांची 2 आएगी, मे बी 2027 में। देन नंबर 7, थॉर 5। तो लव एंड थंडर देखो जैसी भी थी, बट हमारे थाइका वाइटिटी ने इसके थ्रू ऐसे दो चीजें कर दी जो कि सीधा थॉर 5 को ही लीड करेंगी। पहले तो भाई थॉर का लॉन्ग टाइम राइवल हरक्यूलिस आ चुका है, जो कि अपने पिताजी ज़ूस की आज्ञा से अब थॉर के पीछे पड़ा है। सो थॉर 5 में इन दोनों का क्लैश तो होगा ही, बट दूसरी चीज भाई उसकी अब एक बेटी लव भी तो है जो कि साथ साथ हमारे इटर्निटी के अवतार है, तो डेफिनेटली करंट एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर होनी तो चाहिए। सो थॉर 5 में भाई ऑब्वियसली इसकी भी स्टोरी कंटिन्यू होगी, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे जो लगता है कि इस बार हमें थॉर 5 में एक गॉड थीम स्टोरी देखने मिल सकता है, जिसमें ये बाप बेटी हमारे ऑल थ्रू आउट द मूवी डिफरेंट गॉड्स को फेस करते नजर आएंगे। द नंबर 6 इज स्कारलेट विच। तो ये दीदी भाई जो कांड करके गई है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्वल इसे सीधा सीक्रेट वॉर्स में डाल के बोलेगी कि जा बेटी कैंग से लड़ ले, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सो सीक्रेट वॉर्स के पहले डेफिनेटली स्कारलेट विच का एक सोलो मूवी आएगा ही आएगा, जिसमें इसके रिडेम्पशन आर्क को दिखाया जाएगा। इवन सीक्रेट वॉर्स के बाद भाई अगर सही में एमसीयू को एक सॉफ्ट रिबूट मिलने ही वाला है, तो मार्वल डेफिनेटली चाहेगी कि सारे कैरेक्टर्स को पर्सनली एक फिटिंग कंक्लूजन मिले दूसरे फेज में जाने से पहले, लाइक ऐसा कोई पुराने दंगे पंगे ग्रज ना रहे। देन नंबर 5, वर्ल्ड वॉर हल्क। और इसके बारे में भाई मैं कई बार बात कर चुका हूँ और कर सकता हूँ। लाइक चाहे मार्वल ने अभी तक ऑफिशियली कुछ बोला नहीं है, बट पिछले 2 साल से भाई एमसीयू में जो हो रहा है और कप्तान अमेरिका बहादुर नई दुनिया में जो होगा, लाइक मार्वल देखो अचानक से इतने सारे हल्क कैरेक्टर्स को फोकट में तो नहीं ला रही होगी ना। उसका बेटा आ गया, बहन, ससुर, अब तो बेटी रॉस भी आ रही है। सो मेरे हिसाब से तो भाई क्लियर है ये 90% वर्ल्ड वॉर हल्क को ही बिल्डअप कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे हल्क के थिएटर
थिएट्रिकल और डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स दोनों ही अब डिज्नी के पास प्रोबेबली आ चुके हैं, नहीं आए तो जल्द ही आ जाएंगे। सो पहले की तरह कोई मना करने के लिए भी नहीं है। इनफैक्ट भाई मुझे तो ये लगता है कि मल्टीवर्स सागा में वर्ल्ड वॉर हल्क कैंग डायनेस्टी के लिए एग्जैक्टली वही रोल प्ले कर सकती है जो कि इन्फिनिटी सागा में सिविल वॉर ने इन्फिनिटी वॉर के लिए किया था। हाँ, पूरे ऐसे डिटेल्स में मैंने ऊपर बता रखा है, सो देख सकते हो। द नंबर 4 घोस्ट राइडर। तो इस बंदे का भाई फिलहाल अता पता तो नहीं है, बट रिसेंटली ही ऐसे कौवे आए थे कि घोस्ट राइडर का जल्द ही एक सोलो प्रोजेक्ट आने वाला है जो कि आई थिंक कि प्रोबेबली एक मूवी होगा। और ये तो भाई ढोलकपुर के राजू को भी पता है कि मार्वल करंटली फुल स्टीम में अपने सुपर नेचुरल साइड को बिल्डअप कर रही है, जिसका कॉमिक्स में हमारे घोस्ट राइडर एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। सो इसका होना तो बनता ही है ना। इनफैक्ट भाई मल्टीवर्स सागा में घोस्ट राइडर के साथ हमारे नंबर 3 की फिल्म मिडनाइट सन्स भी देखने मिल सकती है, और इसका भी एग्जैक्टली वही सेम रीजन है कि मार्वल अपने भाई स्ट्रीट और कॉस्मिक साइड की तरह सुपरनैचुरल साइड को भी कंसिस्टेंटली एक्सपैंड कर रही है। लाइक मून नाइट आ चुका है, हमारे प्राइवेट वेयरवुल्फ जैक रसल आ चुके हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच तो ऑलरेडी है, ब्लेड और ब्लैक नाइट आ रहे हैं, और घोस्ट राइडर जल्द ही आ जाएगा। इनफैक्ट भाई आयरन हार्ट में मेफिस्टो भी तो आने वाला है जो कि मिडनाइट सन्स के लिए एक परफेक्ट एंटागोनिस्ट है। सो इस फिल्म के भाई नहीं बनने के मुझे कोई रीजन नजर तो नहीं आ रहे, तुम्हें आ रहे? फिर नंबर 2 नोवा। तो इस कैरेक्टर को भाई वैसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। लाइक ओरिजिनली इसके गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में ही डेब्यू करने का प्लान था, फिर इसके बाद इन्फिनिटी वॉर में भी हल्क की जगह ये आने वाला था थानोस के बारे में अवेंजर्स को वार्न करने, बट ये पनौती है या हमारी ही किस्मत खराब है, अभी तक हमें भाई 2 नोवास में से कोई भी नहीं दिखा। बट चिंता नॉट, क्योंकि मे बी फेज 6 में ये चेंज होने वाला है। बिकॉज पहले तो देखो मल्टीपल रिपोर्ट्स मिले हैं कि नोवा की एक मूवी आने वाली है जिसे हमारे मून नाइट के राइटर समीर पिरजादा लिखेंगे। इनफैक्ट क्वांटम मेनिया के डायरेक्टर पेटन रीड भी इंटरेस्टेड है इसे डायरेक्ट करने के लिए। सो फाइनली भाई बंदा इस बार आने वाला है और मार्वल का कॉस्मिक साइड और भी पावरफुल बन जाएगा। फिर लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे नंबर 1 पे आता है डॉक्टर स्ट्रेंज 3। ये फिल्म भाई स्केल वाइज तो मैसिव होगी ही, बट ऑल्सो सीक्रेट वॉर्स को बिल्डअप करने में भी ये एक बहुत ही इंटीग्रल पीस होने वाली है। बिकॉज पहले तो इसमें ये फिर से एक्सप्लोर किया जाएगा कि कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे वेरिएंट्स वन ऑफ द मेन रीजन है मल्टीवर्स में इनकर्जन्स का, और इसके साथ भी जो सुनने मिला है कि मार्वल इसमें कॉमिक्स के टाइम रन्स आउट इवेंट को अडैप्ट करने वाली है। और अगर आपने टाइम रन्स आउट पढ़ी है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसमें भाई हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे पावरफुल फॉर्म देखने मिला था, ब्लैक प्री स्ट्रेंज। और इसके बारे में अगर आपको पता ना हो तो ऊपर आप वीडियो देख सकते हो, मैंने पूरा ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है कि टाइम रन्स आउट क्या है, ब्लैक प्री स्ट्रेंज कौन है, सब कुछ। बट अभी के लिए भाई बस इतना जान लो कि टाइम रन्स आउट में जो भी हुआ था वो 2015 वाले सीक्रेट वॉर्स का बैकबोन था। और अगर कौओं का कहना सही है तो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी हमारे सीक्रेट वॉर्स के लिए उतनी ही मेजर होगी। सो हां गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। और इन सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपके थॉट्स और विचार क्या हैं डेफिनेटली बताएं। और अगर मैंने ऐसी कोई मूवी छोड़ दी है जो कि आने वाली है, तुम सोच रहे हो आ सकती है, तो प्लीज लेट मी नो। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और ऐसे ही मार्वल और डीसी के रापचे कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।